मेघा आर्ट्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज का हमारा टॉपिक है रियलिस्टिक फीचर्स फ्रॉम एक्रेलिक पेंट्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक रेफरेंस इमेज, जिसको देखकर मैं फीचर्स ड्रॉ करने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटा सा मिनी कैनवस और साथ में कुछ ब्रशेस, जिसको यूज़ करके हम पेंटिंग करेंगे। कैनवस का सरफेस मैंने रफ रखा है, स्मूथ नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे एक्रेलिक पेंटिंग्स के लिए। और यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं आर्टिस्ट के एक्रेलिक कलर्स, जो कि 9 ml वाला सेट है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, रेडी हैं? तो सबसे पहले हम मैकेनिकल पेंसिल से ड्राइंग करेंगे। कैनवस का बैक पार्ट रफ ही है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको रख सकते हैं फ्लैट सरफेस पे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मैं यहाँ पर डायगोनल वाइज बनाऊँगी, ठीक है, क्योंकि डायगोनल वाइज हमारे पास सरफेस ज़्यादा है, विड्थ एंड लेंथ वाइज हमारे पास सरफेस कम है, तो मैं डायगोनल वाइज ही ड्रॉ कर रही हूँ। पैलेट के लिए मैंने यहाँ पे टाइल का यूज़ किया है, क्योंकि एक्रेलिक पेंटिंग या फिर ऑयल पेंटिंग के लिए ग्लास पैलेट्स, वुडन पैलेट्स, टाइल पैलेट्स, ये सब बेस्ट रहते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा ड्राइंग पार्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ और अब हम कलर मेकिंग सीखेंगे। उससे पहले हम अपनी पैलेट को साफ कर लेते हैं। मैं दूसरी साइड के कलर्स को साफ नहीं करूँगी, क्योंकि वो ऑयल कलर्स हैं। जब भी मैं दो मिनी वर्क्स एक साथ करती हूँ तो एक ही पैलेट यूज़ कर लेती हूँ। चलिए सीखते हैं कलर मेकिंग। उसके लिए आपको अपनी इमेज को ध्यान से देखना है और एक एक करके सारे कलर निकालना है जो भी आपको उसमें दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे स्कारलेट लेक, यानी कि जो हमारा रेड कलर है प्राइमरी कलर, उसको मैंने लिया है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद में मैं ले रही हूँ येलो कलर। अब येलो कलर इमेज में तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें पता है कि वो ऑरेंज कलर हमारा मिक्स करके बनाएगा, यानी कि हमें सेकेंडरी कलर बनाने में हेल्प मिलेगी उससे। इसलिए हम सारे कलर्स एक एक करके निकालेंगे जो भी मुझे दिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे ऑकर येलो भी लिया है, येलो डीप भी लिया है, और अभी हम इनको मिक्स करके ना सेकेंडरी और टर्शरी कलर बनाएंगे जो कि हमारी पेंटिंग में यूज होंगे। और हम उसको ना थोड़ा थोड़ा पहले बनाकर देखेंगे, एक साथ बहुत सारा कलर नहीं निकालेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा कलर लेंगे और उसको बनाकर देखेंगे और उसको अप्लाई करके देखेंगे कैनवस पे कि वो मैच कर रहा है क्या, थोड़ा बहुत भी हमें इफेक्ट दे रहा है। वैसा नहीं दे रहा है तो हम उसमें और एक बार कलर को थोड़ा सा ऐड कर करके मिक्स करके एक फाइनल कलर बना लेंगे जो हमें चाहिए एग्जैक्ट कलर। और फिर उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कि वो कलर कैसे बना है, फिर हम उसको ज़्यादा अमाउंट में भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, एक्रेलिक कलर्स बहुत जल्दी सूखते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा हमारा कलर वेस्ट ना हो, तो इसलिए हम अपने पास एक स्प्रे बॉटल रखेंगे ताकि बीच बीच में हम उसे कलर के ऊपर स्प्रे करते रहें वाटर, ताकि हमारे कलर्स जो है ना वो जल्दी ड्राई ना हो। वाइट एंड ब्लैक कलर। वाइट से हम शेड्स बनाते हैं और ब्लैक से हम टोन्स बनाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ब्लैक एंड वाइट ये दोनों हमें कलर पैलेट में अलग रखना है। ये नहीं कि कोई कलर में आपने पहले से ही मिला के रख दिया और फिर उसके बाद में आपका कलर वेस्ट हो रहा है। आपको जहाँ जहाँ पे वाइट की ज़रूरत पड़ रही है आप वहाँ वहाँ पर थोड़ा थोड़ा वाइट यूज़ करके डिज़ायरेबल इफेक्ट लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक और टिप शेयर करनी है आप लोग के साथ। वैसे तो बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी एक और टिप मैं आपको बताती हूँ कि इतने परफेक्ट ब्रशेस तो मार्केट में भी नहीं बने हैं जितना कि आप अपनी फिंगर्स को यूज़ करके एक परफेक्ट लुक दे सकते हैं अपनी पेंटिंग के लिए। तो हाँ जी, लास्ट टिप आपकी यही थी कि आपको एक्रेलिक पेंटिंग्स में अपनी फिंगर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर पेंटिंग्स। सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे का मोशन बिगड़ गया तो इसलिए शायद आपको पेंटिंग सही से नहीं दिख रहा होगा। अब थोड़ा थोड़ा ठीक है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टिप में बताया था कि हम अपनी फिंगर्स का यूज़ करते हैं, तो हाँ जी, फिनिशिंग के लिए हम सबसे ज़्यादा अपनी फिंगर्स का यूज़ करते हैं। इस पार्ट में जो एक्रेलिक कलर होता है ना, वो वाटर कलर की तरह एक्ट करने लगता है, यानी कि आपको अपने कलर में पानी ज़्यादा ऐड करना होता है और फिर कैनवस पे अप्लाई करना होता है और फिर थोड़ा थोड़ा उसको फिंगर्स से सेट करके फाइनल लुक देना होता है। इस तरीके से हमारा फिनिशिंग पार्ट होता है। सो कैसी लगी आपको हमारी ओरिजिनल फीचर्स पेंटिंग? लग रहे हैं ओरिजिनल या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोग को मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।